हेलो फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में तरबूज तो हम सभी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन पीछे रह जाते हैं ये छिलके। तो मैंने सोचा क्यों ना इन छिलकों का कुछ उपयोग किया जाए, इनसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो मैं आज बना रही हूँ टूटी फ्रूटी। वेलकम टू डिलाइटफुली देसी, आइए मिलकर बनाते हैं। मैंने यहाँ तरबूज के मोटे छिलके लिए हैं जिसमें गूदा थोड़ा ज़्यादा हो। इनकी स्किन को निकाल लेना है, छिलके को बिल्कुल अलग कर देना है। थोड़ा मोटा छिलका ही उतारिए इस तरीके से। अब जितने आपको ज़रूरत हो उतने ये छिलके उतार के तैयार कर लीजिए। इनको हमें काटना है बारीक बारीक पीसेस में, इस तरीके से बीच में चीरा लगाते हुए बारीक बारीक पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब एक नॉन स्टिक पैन गरम करेंगे, उसमें ये सारे पीसेस डाल देंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम पीसेस लिए हैं, इनको हमें सॉटे करना है। इसमें घी तेल कुछ भी नहीं डालना है। अब इसमें डाल दी है मैंने आधी कटोरी शक्कर। अब तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये शक्कर पिघल ना जाए। पानी एक बूंद भी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि तरबूज के छिलकों में काफ़ी पानी होता है। ये देखिए शक्कर अपने आप पिघल रही है। अब ये शक्कर पिघल गई है पूरी तरीके से। इसको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अब ज़रा चेक कर लेते हैं ये पका या नहीं। ये गल गया है, थोड़ी देर और इसको पकने देते हैं। कुकिंग का टाइम इसमें बहुत ही कम लगता है। अब ये एकदम तैयार हो गया है तो हम गैस को बंद कर देंगे। काफ़ी गर्म है ये। अब इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अलग अलग कटोरियों में निकाल लेंगे। यह मैंने तीन अलग अलग कटोरियों में निकाल लिया है। अब एक में मैं मिला रही हूँ लाल रंग। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। ये खाने वाला लाल रंग है, अच्छी क्वालिटी का फूड कलर ही मिला है। दूसरे में मिला रही हूँ हरा रंग। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर्स ले सकते हैं इसके लिए। अब ये तीसरी में मैं पीला रंग मिला रही हूँ। देखिए कितने सुंदर तीनों रंग तैयार हो गए हैं। अब आप इसमें चाहें तो एसेंस भी मिला सकते हैं, नहीं चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा वनीला एसेंस डाल रही हूँ सब में, थोड़ा थोड़ा, एकदम दो ड्रॉप। इसको भी मिला लेंगे हम और खूब अच्छे से मिला के इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे थोड़ा ड्राई होने के लिए। कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस इसको सूखने देना है हमें। ऐसे ही कटोरियों में छोड़ दीजिए। इसको सूखने में करीब 4-5 घंटे लग जाएंगे। ड्राई होने के बाद में एयर टाइट कंटेनर्स में या जिप लॉक बैग में भर के फ्रिज में रख दीजिए। 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। जब आपकी ज़रूरत हो तब इसे यूज़ करिए। Please do subscribe, like and share to my channel for more recipes and ideas. Thank you.